जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है। अच्छी खासी सर्दियां पड़ने लगी हैं। अब सर्दियों में खाने का मज़ा ही दुगना होता है, हर चीज़ हम अच्छे से खा सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे ये गर्मा गर्म मसूर दाल, बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। तो देखते हैं इसकी रेसिपी कितनी आसान है, बहुत ही क्विक रेसिपी है। चलिए करते हैं स्टार्ट, बहुत आसान है। मैं हूँ आपकी फ्रेंड नेहा और आपका मेरे किचन में स्वागत है। वेलकम टू माय किचन। इसे बनाना बहुत ही आसान है, मैंने बहुत ही इजीली इसे बनाया है, आप लोग को शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक कप दाल ले लेते हैं, उसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगा दिया था, ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब हमें इसमें लेना है ग्रीन चिलीज और टमाटो और ये थोड़े से अनियन है, छोटे छोटे चॉप कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। कुकर में हम दाल ऐड करेंगे और साथ ही इसमें ये वेजीज डाल देना है हमें, और नमक डालते हैं, हल्दी डाल लेते हैं, और साथ ही हम इसमें एक चम्मच के करीब डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है, बहुत आसान रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने से। अब हम इसे कुकर को बंद कर देते हैं और तीन चार से पांच सीटियों के लिए हम इसे पका लेंगे और इसे दाल गला लेंगे। बॉईल करना है दाल बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना। चेक कर लेते हैं दाल को, अच्छे से दाल को गला लीजिएगा फ्रेंड्स। पहले ये देखिए, ना एकदम गल जाए और ना ही वो एकदम से खड़ी रहे, बस खड़ी खड़ी और गली हुई रहे, इस तरीके से इतनी गला लेना है। अब हम एक टेबल स्पून के करीब घी को, मैंने घी का इस्तेमाल किया तड़का देने के लिए, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी डालिए, इसमें प्याज डालते हैं, जो भी आपको तड़के में पसंद है, घी, प्याज, जीरा और एक बड़ी मिर्ची करीबन रेड चिली डाली है मैंने। ये फ्राई होने लगे तो अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड किया है इसे टेस्ट को चटपटा करने के लिए, बस और कुछ नहीं, ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब ऐड करेंगे हम बॉइल्ड की हुई दाल, अच्छे से पका लेना है, बस एक बॉइल तक पकाना है, ज़्यादा नहीं, और ये बस तैयार है। क्विक इजी चटपटी एंड टेस्टी मसूर की दाल हमारी तैयार है। आप इसे रोटी से, चावल से, जीरा राइस से खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। सलाद ले लें थोड़ा सा नमक और नींबू के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ट्राई करके कॉमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।